की जय बोलती है और अपनी पार्टी आम आदमी की जय बोलती है। आम आदमी इसके वाले आवाज नहीं आई। आम आदमी भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले तो मंच पर उपस्थित सभी गांव के मैन महानुभाव आदमी, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारी, गांव के बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहने और प्यारे बच्चों को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूँ और सलूट करता हूँ आप सब लोगों को कि आप लोग जब भी कभी भी कोई ऐसा मौका हुआ है और जब भी चुनाव हुआ है पूरे झरेड़ा गांव ने मन से मेरी झोली में वोट डाले हैं, चाहे वो पार्षद का चुनाव हो, चाहे वो विधायक का चुनाव हो। और विकास करने की बात जब भी आई, सबसे पहले इस क्षेत्र में एक ही बात बोलते थे, गांव उठ रहे हैं, गांव टूट रहे हैं, गांव को तोड़ा जाएगा। आज दिल्ली के अंदर सबसे पहले जो मैंने लड़ाई लड़ी, 6 के 6 गांव को पक्का करवाया, दिल्ली सरकार की लिस्ट के अंदर 6 के 6 गांव को डलवाया और 6 के 6 गांव के ऊपर सरकारी बजट जो दिया जाता है गांव के अंदर 2-2 करोड़ रुपए खर्चने का, उस बजट का प्रावधान शुरू करवाया और गांव के अंदर एक कमेटी बनाई जो ग्राम विकास कमेटी है। ग्राम विकास कमेटी के सभी बंदों को मैं नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ। सुभाष भाई, अरुण भाई, प्रदीप भाई और जो है सुरेश भाई, लोकन भाई, पूरी टीम जो है, मैं नाम लेने लगूंगा तो 21 आदमी की टीम है जिसमें 11 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं। उसके बाद जो है गांव के अंदर चारों तरफ आप लोग देख रहे होंगे पूरे सीवर डाले जा रहे हैं, पूरी गलियां बनेगी, कोई गली कोई सीवर कहीं भी ऐसा कोई नाली ऐसी नहीं रहेगी और कहीं द्वेष भावना से किसी की नाली छूट जाए, किसी का घर हो जाए। आप मुझे कभी भी आके बता दीजिएगा, कोई पार्टी पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं सबका विधायक हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, किसी विशेष आदमी का नहीं हूँ। आप जब भी मुझे कोई भी बंदा बताएगा मैं उसी टाइम उस गली नाली उसका सारा काम करूंगा। 1 करोड़ रुपए से पूरे गांव के अंदर और आसपास के गांव के अंदर अभी लाइटें लग रही है, लगनी शुरू हुई है। मैं पिछली बार बोल के गया था लाइटें लगनी शुरू हो गई है, कितने लोगों को पता है? एक भी गांव की गली के अंदर अंधेरा रह गया तो गांव के लोग जिम्मेवार होंगे, मैं नहीं हूंगा। मुझे कभी भी बता देना, पूरे एरिया में घूम के आया हूं, सारे गांव को एकदम पूरा एकदम कहीं अंधेरा नहीं छोड़ना। आप लोगों का पैसा है, आप लोगों के पैसे की लाइटें लग रही है, मैं सिर्फ उसको देखने वाला, लुकआफ्टर करने वाला हूँ और मेरा कोई किसी का वो नहीं है। किसी भी लाइटें लगे थे आप लोग बताइएगा। ये टीम जो भी है गांव में, कभी भी पूरे गांव में कैमरे लग रहे हैं, कैमरे लगाने वाली टीम के अंदर ये पूरी टीम लगी हुई है। अंकित भाई अभी पीछे पहुंचा है ऊपर, ये लगाने में लगे हुए हैं, पूरे गांव के अंदर कैमरे लगेंगे, कोई दवेश भावना नहीं है। जहां भी कैमरे लगने की बात है हर एक जगह कैमरे लगाए जाएंगे। उसके बाद तालाब को बेहतरीन किया जाएगा, तालाब के चारों तरफ घूमने के लिए ट्रैक बनाया जाएगा, बैठने के लिए वहाँ पार्क की तरह बनाया जाएगा, झूले लगाए जाएंगे बच्चों के लिए, वहाँ खूब झूले झूलेंगे। विधायक पंच पार्क के अंदर जिम लगा दिया है, ओपन जिम सभी
गली में अगर पानी की समस्या है तो आप बता दीजिएगा। मैं भी गांव में घूमा हूँ, जहाँ है समस्या कहीं लगी है, मैंने उनको बोल दिया है पानी की समस्या को खत्म कर दिया, इसलिए बोरवेल लगा दिए। और इसके साथ साथ जो मीठे पानी को रोका जा रहा था, मैं आपको कह रहा था अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को चलना पड़ेगा। 6 तारीख की मीटिंग के अंदर मीठे पानी को पास करा दिया है, पैसे दे रखे हैं, पानी दे रखा है और बोरवेल अभी लगाने के लिए तैयार हो गया है। और उस बोर्ड की मीटिंग में जितना लोगों ने रोकना चाहा पानी को उतना रोकने की कोशिश हुई, जितनी ताकत लगानी थी उन्होंने लगा दी। पर मैं खोज के ब्रिगेडियर साहब को सलूट करता हूँ, उतना ये कह के पानी को पास किया। जब कमांडो सुरेंद्र सिंह पानी दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो तुमको पाइपलाइन लगाने में दिक्कत आ रही है। उसके बाद जब फंक्शन होता है, कई बार शादी ब्याह में पानी लाने में दिक्कत होती थी, ट्रॉली छोड़ने में चार ट्रैक्टर खरीद के कैंट बोर्ड को चालू कर दिए, मेसी ट्रैक्टर, पानी में कहीं दिक्कत नहीं आएगी शादी ब्याह लाने से। सबसे पहले उस समय में बन के आया था तो गांव में खाली जो है नारियल फोड़ दिया जाता था, बारात घर का भी फोड़ा था। पर जब सरकार के साथ मैं बना, बारात घर बना आप लोगों का, कांग्रेस के साथ हमारा तालमेल था सेंटर में। उसके बाद लाइब्रेरी मैंने 2 साल पहले बना दी थी, आपने देखा होगा 2 साल लगे मुझे लाइब्रेरी खोलने में। लोग कह रहे कि लाइब्रेरी की क्या जरूरत है गांव में, लाइब्रेरी की गांव में जरूरत नहीं था, कहां पे जरूरत था, जब ये बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, अफसर बनेंगे हमारे बच्चे, सारे बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए जाए। तो गांव में मोहल्ला क्लिनिक पास करा रखा है, गांव में पानी की बड़ी टंकी पास करवा रखी लगाने के लिए, इनको पैसे दे रखे हैं। किसी को भी पेंशन बनानी हो, पेंशन से संबंधित काम हो, किसी भी तरह का कोई काम हो, आप कभी भी मुझे बता दीजिएगा, गांव को ऐसा बना देंगे बाकी गांव से बेहतरीन गांव झरेड़ा को बना के रहेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ, मेरे से जो काम हो रहा है मैं काम कर रहा हूँ, दूसरे साथी को काम कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं उनकी कमजोरी है जो भी है। दूसरा एक और कहना चाहूंगा, गांव के सामने से जो रोड गया हुआ है धोला कुआ वाला, इसको पूरे 385 करोड़ रुपए से इसको डेवलप करा है, नेहरू प्लेस को 2 रोड करा कर 225 करोड़ रुपए से उस रोड को पूरा करवाया है। और जहाँ कहीं भी कोई ऐसी गांव के लिए जब भी कोई दिक्कत ऐसी आती, जब भी बुलाया, जब भी खड़े आपके बीच में खड़े हैं, एक निवेदन करूंगा, अब लोकसभा का चुनाव आ गया है, लोकसभा के चुनाव में हमारे सांसद नहीं थे दिल्ली के, इसलिए हमारे कामों को रोका जा रहा था, बार बार हमारे काम को रोका जा रहा था, लोगों के घरों को सील कराया जा रहा था, आम आदमी पार्टी के विधायक पार्षदों के ऊपर केस लगाए जा रहे थे। अगर आप 700 सांसद बना के आम आदमी पार्टी के लोकसभा के अंदर भेजोगे तो पूरे राज्य के लिए लड़ेंगे और दिल्ली को पूरे राज्य का दर्जा देते, बाकी स्टेटों में विधायकों को पावर है, उतनी ही पावर आपके विधायक को भी मिलेगी, अभी आधी पावर है। आप सारे जानते हैं शिक्षा के अंदर और चिकित्सा के अंदर, बिजली पानी के अंदर आधा बिजली का बिल आता है, आधा दिल्ली सरकार भरती है, पानी की समस्या को खत्म किया है, हॉस्पिटलों के अंदर कितना बड़ा इलाज हो फ्री इलाज किया जाता है दिल्ली सरकार के हॉस्पिटलों के अंदर, स्कूलों के अंदर तोड़ तोड़ के जितने खराब स्कूल के सारी नई बिल्डिंगें बनाई है, गांव में डिस्पेंसरी का निर्माण किया गया है, और आपके गांव के अंदर हाथ जोड़ के पूरे गांव को डेवलपमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। और मुझे खुशी है जब भी मैं कभी भी कोई ऐसा काम करता हूँ, जब भी विकास का काम करता हूँ, सारा गांव मेरे साथ खड़ा होता है, अपार भीड़ बैठी हुई, जो सामने जो भीड़ बैठी है वो भीड़ ये बतानी सुरेंद्र सिंह से कितना प्यार करती है। एक माता सैनिक है यहाँ दिल्ली कैंट में रहने वाली, और आपका विधायक
वो भी फौजी है, वो भी देशभक्त की जिंदा मिसाल है। ऐसे हमले लड़े हैं आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि बाकी तो वो घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं। जैसे देश की सड़कों पर लड़ा हूँ, जैसे 26/11 मुंबई हमले लड़ा हूँ, ऐसे ही आपके अधिकारों के लिए विधानसभा के अंदर लड़ता हूँ। और कुछ लोग क्या कहते हैं, अब गांव में सुरेंद्र सिंह आ गया तो कोई आदमी नहीं आएगा। मैं उनको बताना चाहता हूँ, गांव में सुरेंद्र सिंह आ गया है और सारी महिलाएं बैठी हैं। सुरेंद्र सिंह कोई गब्बर सिंह नहीं है, सुरेंद्र सिंह विधायक है, सेवक है, भाई है सबका। तो ये जो है, आप लोग जहाँ कोई भी काम हो, किसी तरह का लाइट, बिजली, पानी, कोई सुविधा, कोई दिक्कत किसी तरह की, आप कभी भी बताइएगा। और लाइब्रेरी में मैं जो है मंगलवार को बैठूंगा यहाँ पे आके, कोई भी पेंशन से संबंधित काम हो बताइए। और मैं एक मेरी शिकायत है आप लोगों से, मैं सबको कह रहा हूँ, बुजुर्गों को, आप तीर्थ यात्रा करके आओ, ज्यादा से ज्यादा फार्म भरवाओ, दिल्ली सरकार फ्री में सब जगह ले जाकर तीर्थ यात्रा करवा रही है। बुजुर्गों की पेंशन 2500 कर दी है, 2000 कर दी है, राशन कार्ड बनने लग रहे हैं, फार्म भरो ज्यादा से ज्यादा लोग। तो मैं ज्यादा न कहते हो, मैं कहना चाहूंगा, लोकसभा के चुनाव में आप जैसे विधानसभा के अंदर चुनाव में वोट दिए हैं, जैसे पार्षद के चुनाव में मैंने वोट मांगे हैं, जिस तरह से जिन सब जब भी मैंने, उसी तरीके से आप यहाँ से हमें मजबूती के साथ आगे भेजना। और जो है लोकसभा के अंदर हमारे 700 सांसद होंगे तो दिल्ली को पूर्ण राज्य मिलेगा और अरविंद केजरीवाल के हाथ मजबूत होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो है ना एक बार फिर सभी पूरे गांव को सलाम करता हूँ, सलूट करता हूँ, पूरी एकेडमी, हिंदी एकेडमी का अपने गांव झेड़ा की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। अगर जो है जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम रहा है हमारी, जो है ना अभी पीछे तारीख थी तो तुरंत 9 तारीख उस दिन दिया इन्होंने, और मेरा गाँव का सम्मान रखा, गाँव ने बोला भाई दोबारा होना चाहिए। और आपके बीच में भी जल्दी जो है ना लोकसभा के प्रभारी जो है चुनाव लड़ेंगे, विजय गोयल जी भी आएंगे, उनको भी रूबरू कराएंगे, जोरदार एक बार नारा लगाएंगे, और जो है उसके बाद जो है ना पूरा कार्यक्रम का पूरा आनंद उठाएंगे। ये कार्यक्रम इसीलिए करवाए गए हैं, इसलिए करवा रहा हूँ, सब जगह करवा रहा हूँ, क्योंकि इतना परेशानी भागा दौड़ी के जीवन में कभी समय नहीं मिलता मनोरंजन का, कभी किसी ने करवाया भी नहीं होंगे इस तरह के प्रोग्राम। इससे मनोरंजन सभी का हो जाता है, भाईचारे की भावना जगती है। एक बार पूरे गांव को नमस्कार, सभी माताओं को, और हमारे बीच में सतपाल भाई भी, कई सारे पदाधिकारी जो आम आदमी पार्टी के बीच में पहुंच गए, उनका भी मैं गांव की तरफ से स्वागत करता हूं, जोरदार जयकारा लगाएंगे। और भारत माता की, भारत भारत की, भारत माता की, और झेड़ा गांव की आम आदमी, आम आदमी, आम आदमी, धन्यवाद, जय हिंद।